हेलो फ्रेंड्स, संडे मोटिवेशनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले संडे को हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क वह उस ब्रेन से निकलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव तरंगों के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिमाग, मस्तिष्क या ब्रेन के कितने भाग होते हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार ब्रेन मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। तो हम यहाँ पर मुख्यतः मेनली दो भागों पर फोकस करेंगे, चेतन मन जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारा मस्तिष्क है वो मस्तिष्क में केवल 10% भाग ही चेतन मन का है, 90% भाग क्या है, 90% भाग है अवचेतन मन। तो फ्रेंड्स, चेतन मन जो होता है वो हमारी चेतना या सक्रिय अवस्था होता है, कॉन्शियस स्टेट होती है, जिसमें हम तर्क करके, सोच या विचार करके आदि के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। जबकि हमारा जो अवचेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, वो हमारे स्टोरेज रूम की तरह कार्य करता है, जिसके अंदर हमारे विचार, अनुभव और धारणाएं स्टोर होती है। हमारा जो अवचेतन मन होता है वो सोच विचार तर्क करके निर्णय नहीं लेता है, बल्कि हमारी जो भी विचार धारणाएं अनुभव उस सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में स्टोर होते हैं, उसी के आधार पर वो कोई निर्णय लेता है। जब पहली बार हमारे सामने कोई बात होती है, कोई घटना घटित होती है, तो उसका सामना चेतन मन से होता है। तो फ्रेंड्स, जब पहली बार कोई घटना घटित होती है या कोई वाकया होता है या कोई बात हमारे सामने होती है या हमें बताई जाती है, तो चेतन मन से उसका सामना होता है। सबसे पहले चेतन मन, कॉन्शियस माइंड उससे टकराता है, उसका सामना जो चेतन मन से होता है। एक बार यदि चेतन मन उस बात को स्वीकार कर लेता है, उस घटना को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो सच्ची घटना हो, चाहे वो झूठी घटना हो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड फिर उस बात पर विश्वास कर लेता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जैसे हम शुरू में साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरू में अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें पैडल का अलग से ध्यान रखना पड़ता है, आगे वाले ब्रेक का अलग से ध्यान रखना पड़ता है, पीछे वाले ब्रेक का अलग से ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस साइकिल चलाते रहते हैं और प्रैक्टिस हमारी पूरी तरीके से हो जाती है, या हम पूरी तरीके से साइकिल चलाना सीख लेते हैं, तो हमें फिर इन बातों का अलग अलग ध्यान रखना नहीं पड़ता है। क्योंकि शुरू में जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तब चेतन मन कार्य कर रहा था, और चेतन मन जो है वो इंफॉर्मेशन अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर रहा था, और सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार हमें विश्वास दिला दिया या उसको विश्वास हो गया कि हमें साइकिल चलाना आ गया है, गाड़ी चलाना आ गया है, तो फिर हम आसानी से गाड़ी चला सकते हैं, हमें अलग अलग आगे वाले ब्रेक, पीछे वाले ब्रेक, पैडल का अलग अलग ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, जो अवचेतन मन होता है वो एक रोबोट या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तरह होता है, जिसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कौन करता है, चेतन मन करता है। रोबोट जो होता है वो अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोच सकता है, जैसी उसकी प्रोग्रामिंग की गई है वैसा ही वो कार्य करता है। अब चेतन मन में यदि अच्छी प्रोग्रामिंग की गई है, बढ़िया प्रोग्रामिंग की गई है, तो बढ़िया तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। अगर प्रोग्रामिंग कोई नेगेटिव की गई है तो नेगेटिव तरीके से कार्य करता है। तो अब अगर चेतन मन में अच्छी प्रोग्रामिंग होगी तो अब चेतन मन में अच्छा स्टोर होगा और हमारी जिंदगी भी अच्छा बनेगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम, कि एक घुड़सवार है, हॉर्स राइडर है, वो एक जंगली घोड़ा लेकर आता है, तो उसको घुड़सवारी सिखाने के लिए वो सबसे पहले उस पर बैठता है, बैठ के अगर वो चलने की कोशिश करते हैं, अब जैसे ही चलते हैं और सामने गड्ढा आता है, तो घुड़सवार क्या करता है, उस घोड़े की रस्सी को खींचता है, तो घोड़ा क्या करता है, जंप करता है, और फिर कुछ दूरी पर आगे चलते हैं, फिर एक गड्ढा आता है, तो घुड़सवार क्या करता है, रस्सी को खींचता है, तो घोड़ा क्या करता है, जंप करता है। तो अभी क्या हो रहा है, घुड़सवार जो है घोड़े को चला रहा है। ऐसे पूरे दिन भर प्रैक्टिस करते हैं और जब शाम तक घोड़े को पता लग जाता है कि गड्ढा आएगा तो क्या करना है, कूदना है। तो जब ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो शाम तक यदि घोड़ा परिपक्व हो जाता है, तो जैसे ही अगर घोड़े के सामने कोई गड्ढा आता है, तो अब घुड़सवार को रस्सी खींचने की जरूरत नहीं है,
अब घोड़ा जो है खुद ही उस गड्ढे के आगे जंप करके गड्ढे को पार कर जाएगा। तो शुरू में क्या हो रहा था, चेतन मन अवचेतन मन को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन लास्ट में जब घोड़ा एकदम ट्रेंड हो गया, हमारा अवचेतन मन एकदम परिपक्व हो गया, तब उसने किसको चला, तब इसने किसको गाइडेंस दी, चेतन मन को। तो शुरू में जो बातें हम दिमाग में डालते हैं, जैसा हम हमारा दिमाग करते हैं, उसी तरीके से हमारी आगे की जिंदगी चलती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा जो हर एक विचार होता है वो एक बीज की तरह होता है, और अवचेतन मन में वो विचार जब चला जाता है बीज के रूप में, तो फिर वो एक बगीचे का काम करता है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं, जैसे किसी भी जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्म निकलता है, तो फॉर्म निकलते ही, फॉर एग्जाम्पल पटवारी की जॉब का फॉर्म निकला, तो फॉर्म निकलते ही हम क्या करते हैं, उसी के आसपास हम हमारी जिंदगी घुमाने लगते हैं कि ये मैं पटवारी बन जाऊंगा तो ये करूंगा, पटवारी बन जाऊंगा तो वो कर दूंगा। तो एक बीज से हम पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, विचार पूरा का पूरा बगीचा तैयार कर लेते हैं। तो चेतन मन में अगर हम एक बीज डालेंगे तो अवचेतन मन में एक बगीचा तैयार होगा। अब बीज आप बबूल का डालोगे तो कांटे ही मिलेंगे, अगर आप किसी फूल का डालोगे तो फिर वो बगीचा है वो फूलों का ही तैयार होगा। अब बात आती है कि हम हमारे अवचेतन मन में अच्छी बातें कैसे डालें। तो दोस्तों, मेडिटेशन और गहन चिंतन के द्वारा ही हम हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके गलत सूचनाओं को डिलीट कर सकते हैं। अब गहन चिंतन कैसे किया जा सकता है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत ही विख्यात उदाहरण है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में क्या हुआ था, एक पर्वत लिया गया था जिसका नाम था मंदराचल पर्वत। एक तरफ देवता लगे थे, एक तरफ असुर लगे थे, और बीच में एक सांप था, और उसको फिर मथा गया था। तो अगर हम हमारा जो मंदराचल पर्वत है उसको हम हमारा दिमाग माने, देवताओं को पॉजिटिव ऊर्जा माने, और या पॉजिटिव सोच माने, और असुरों को निगेटिव सोच माने, और फिर हम हमारे दिमाग में गहन चिंतन करें या मथे उनको, आगे पीछे करें, गहन चिंतन करें, तो सबसे पहले दोस्तों समुद्र मंथन में विष निकला था, तो वही हमारे दिमाग से सबसे पहले जो निगेटिव बातें हैं, बुरी सोच है, बुरी आदतें हैं, वो बाहर निकलेगी अगर हम गहन चिंतन मेडिटेशन करेंगे। और सबसे लास्ट में 14वें नंबर पे अमृत निकला था, तो ऐसा ही हमारे साथ होगा, अगर हम गहन चिंतन करेंगे तो हमारे भी दिमाग में लास्ट में अमृत ही निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आज संडे का हमारा यही वर्क होना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, हमें अकेले बैठकर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए हमें क्या बनना है, क्या करना है, कैसी हमारी जिंदगी होनी चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी चीजें जाएंगी, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरीके से ही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। वहीं पर अगर हम बुरा सोचेंगे तो जिंदगी हमारी बुरी होती जाएगी। तो दोस्तों, इस कोरोना में पॉजिटिव रहिए दिमाग से, ना कि कोरोना से, और फोकस कीजिए आप टारगेटेड जीओबी जॉब्स पे। धन्यवाद।